तो फ्रेंड्स बिहार सरकार की भर्ती आई है, बिहार के सभी जिला में भर्ती शुरू हुआ है, तो आज से शुरू है इसका। और आपको लास्ट डेट की बात करते हैं तो 31/1/2021 यानी कहे तो 31 जनवरी का इसका लास्ट डेट है। और पद की बात करते हो तो सेविका सहायिका का ये पद है, जो कि आपको सहायिका के लिए 8वीं पास और सेविका के लिए 10वीं पास क्वालिफिकेशन। तो चलिए इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है कब से इसका आवेदन शुरू है वो सारी जानकारी इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय बिहार छठा चरण में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की चयन हेतु आवेदन संबंधित सूचना। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि विभिन्न जिलों में स्वीकृत केंद्र के विरुद्ध शेष बचे रिक्त केंद्रों के लिए आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के पद पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि आपको बता दें कि चयन हेतु परियोजनावार रिक्त के संबंध में संबंधित वार्ड बाहुल्य वर्ग आदि को आपको NIC के वेबसाइट, ये रहा इस वेबसाइट पर अपलोड कराया जा चुका है, जिसे जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं संबंधित समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। परियोजना वार रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र की विस्तृत सूचना अर्हता यथा अर्हता और यहाँ पर बताया गया कि रिक्त केंद्रों की सूची पंचायत वार्ड बाहुल्य वर्ग आदि से संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बाल विकास योजना कार्यालय प्रखंड कार्यालय में सूचना पट पर प्रकाशित की जाएगी। और यहाँ पे बताया गया है कि रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन, यहाँ पे देख सकते हो कि रिक्त पदों हेतु आवेदन की समय सीमा और बंधित मेघा सूची प्रकाशन आदि निम्नवत है। रिक्त को NIC के वेबसाइट पर, ये वेबसाइट है, अपलोड करने की अंतिम तिथि जो हो गया 14/1/2021 तक इसका जो अपलोड करने का था। तो आप यहाँ बात समझ गए कि यहाँ पे पदों की जो हो गया आवेदन की समय सीमा और बंधित मेगा सूची प्रकाशन आदि निम्न रिक्तों को NIC की वेबसाइट पे यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो निम्न तिथि जो हो गया 16/1/2021 से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू और 30/1/2021 तक इसका लास्ट डेट है 30 जनवरी तक। और वही यहाँ पे दिया गया कि अवबंधित मेगा सूची प्रकाशन की जो तिथि होगा 8/2/2021 को बाल विकास परियोजना और कार्यालय प्रखंड कार्यालय में सूचना पट पर एक सप्ताह के लिए किया जाएगा। अवबंधित यहाँ पे आपको बता दें कि आपत्ति लेने की तिथि जो हो गया 9/2/2021 से 17/2/2021 तक है। वही आम सभा की तिथि भी यहाँ पे 19/2/2021 से प्रारंभ होगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ आवेदिका सभी वांछित दस्तावेज यानी कहे तो डॉक्यूमेंट्स तथा मैट्रिक अंकपत्र सहायिका के लिए जो क्या अष्टम का अंकपत्र होना चाहिए, सहायिका के लिए यदि आप 8वीं पास है उसके लिए सहायिका के है सेविका के, यहाँ पे 10th पास। यहाँ पे लिखा गया कि मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र यदि विधवा है तो, और यहाँ पे लिखा गया विधवा व्यक्ति के लिए, और विकलांगता के जो हो गया जो विकलांग है उसके लिए विकलांगता प्रमाण पत्र विकलांग अभ्यर्थी के लिए और आदि को भी निर्धारित साइज में अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथि को आम सभा नहीं की जाती है अथवा सेविका सहायिका का चयन नहीं हो पाता है तो विभागीय मार्गदर्शिका के अनुरूप अगली आम सभा की जाएगी। आवेदिका अपने पूर्णतः भरे हुए आवेदक का प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास रखें। ऑनलाइन करते समय करने के बाद यह आउटपुट जो हो गया प्रिंट आउट करके अपने पास जो उसका होता है प्रिंट वो रख ले। और अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला प्रोग्राम कार्यालय बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा हेल्प डेस्क नंबर इतना पर संपर्क किया जा सकता है। अपने नज़दीकी कार्यालय में जाके से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो ये जॉब तो आप सभी को पता ही है कि ये जॉब सिर्फ महिलाओं के लिए होती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड लव यू ऑल।